इस साल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से 86,05,000 मैट्रिक टन चावल खरीदेगी। केंद्र ने राज्य को कस्टम मिलिंग के लिए सहमति पत्र भेजा है, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जब हम लोग झोली फैला कर गए थे तब हमारा चावल नहीं खरीदा गया। पिछले 23 लाख मीट्रिक टन खरीदे, फिर 26 लाख की और बाद में 33 लाख मैट्रिक टन किया गया। वहीं सीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया में चावल और गेहूं की कमी हो गई है। इसकी स्थिति ये है, देखिए जब हम लोग झोली फैला के गए थे तब हमारा चावल नहीं खरीदे थे, 23 लाख खरीदे थे, फिर 26 लाख किए, कितना 33 लाख किए, ऐसा करके आज पूरी दुनिया में चावल और गेहूं की कमी हो रही है। अब खबरों में तो ये भी पता चला है कि अब गेहूं निर्यात करेंगे, चावल पे जो गैर बासमती चावल है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुनिया में बहुत डिमांड है गैर बासमती चावल की, तो देश में भी अभी जो हालात है, कई जगह अतिवृष्टि हुई है, कई जगह कम बारिश हुई है और फसलों के आकलन की जो रिपोर्ट भारत सरकार को मिल रही है तो उनको ये दबाव है कि हमको ज़्यादा अनाज की आवश्यकता पड़ेगी।